सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो 2012 से लेकर जून 2019 तक का है। अब देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया काफ़ी अच्छे से और आगे भी हम करवाएंगे। ये देखिए, इसका आंसर है एडुटेनमेंट। अब यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बाद में किस तरह से आया है। अब ये देखिए, ये हमारा जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम देखते हैं यही क्वेश्चन कैसे आया है। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के दे रहे हैं। यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा, एडुटेनमेंट। और इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। अब देखिए, मैं आपको जो मैंने करवाया था कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें से हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसके बाद भी मैं और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा जो आप देख कर हैरान रह जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलीस्कोपिंग, इंटरनेट, उसके द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था। अब यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जून 2018 के अंदर और 19 के अंदर किस तरह से आया है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर इन्होंने लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। यानी कि ये तीनों कम्युनिकेशन इन्होंने पूछे हुए हैं, ये हमें मिलान करने हैं और इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब देखिए, पेज नंबर 40 के ऊपर यही क्वेश्चन किस तरीके से आया है जून 2019 में। ये देखिए, ये हमारा जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा, हाँ ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो इसे किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे। ये कहेंगे दोस्तों ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन, इसको हम कहेंगे। तो आप ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ग्रेपवाइन संचार के साधन कौन कौन से हैं। इसके अंदर हमें बताना है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन वो किस तरह का होता है। इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये देखिए, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आ रही है, हमें बताना है। इसका मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और यही क्वेश्चन देखते दोस्तों हम बाद में किस तरह से रिपीट हुआ है, ये बाद में भी रिपीट हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें देखते हैं कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस तरह से रिपीट हुआ। ये देखिए, ये हिंदी में देख सकते हैं आप, मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नॉन एज, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हीं की संभावना अब भी बनती है कि ये दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हो उसमें भी रिपीट हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के दे रहे हैं जून 2013 से लेकर और 19 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर हर बार रिपीट हुआ है। दोस्तों, हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर सभी टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आगे भी आने की संभावना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर एक, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इसके आने की संभावना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं, यानी कि जो बाबा महाराज वगैरह जो होते हैं वो अपने आप में, यानी कि जो भूत वगैरह उनसे बातचीत करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इसे हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है दोस्तों, जो मनोचिकित्सक होते हैं वो मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते, तो उसे भी कहीं ना कहीं हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि एक मनोचिकित्सक है, वो दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो उसका आंसर भी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन था। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने हर एक जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से उनको मार्क किया हुआ है ताकि उनको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्विलेटेड विद। अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर इन्होंने ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की बात की है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बाद में भी रिपीट हुआ है और अब भी रिपीट हो सकता है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से आगे रिपीट हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, देख लेते हैं हम, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक स्रोत से एक साथ सूचनाएं प्रसारित करता है, यानी कि एक स्रोत है जैसे कि रेडियो है, रेडियो के द्वारा बहुत से लोगों को सूचनाएं दी जाते हैं, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे। इसका आंसर है दोस्तों, जनसंचार कम्युनिकेशन। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ कि मास कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए, ये हमारे पास है जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, अभिकथन, कथन, तर्क वाले क्वेश्चन, ये काफ़ी हमें कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा हमें सोचने समझने की ज़रूरत होती है। अब ये क्वेश्चन देखना, मैं आपको बिल्कुल आसानी से कैसे करवाता हूँ। अब ये देखिए, इनका अभिकथन क्या है, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। सबसे पहले हमें, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि औपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं। औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो संस्था वगैरह के अंदर होता है, एक बॉस अपने कर्मचारियों से करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर नियम कायदे कानून होते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है, औपचारिक कम्युनिकेशन त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये इसका अभिकथन है। यानी कि जो हमारी संस्था है उसके अंदर बहुत ही लचीला, ढीलापन होना चाहिए, ये अभिकथन है इसका। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है ये कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। यानी कि इस दूसरे तर्क के अंदर इसने क्या कहा है कि जो औपचारिक कम्युनिकेशन है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है और व्यवस्थित प्रवाह होता है, यानी कि उसके अंदर एक फॉलो होता है, सही तरीके से होता है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये हमें बताना है। अब ये देखिए, इसका आंसर इन्होंने 4 दिया है, ए असत्य परंतु आर सत्य, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये देखिए, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये बात इसकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑफिस के अंदर अगर हम बहुत ढीला मस्ती में काम करेंगे तो जो जितने भी कर्मचारी वो सही से काम नहीं करेंगे और वो इग्नोर करने लगेंगे चीज़ों को। इसलिए
हमारा जो संस्था के अंदर कम्युनिकेशन है वो योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जो ए है ए ऑप्शन गलत होगा और इसका जो आर है वो सत्य होगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस तरह से आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिर से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आ गया। ये देखिए, ये एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, किससे भी जाना जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये मैंने बताया था कि ग्रेपवाइन जो होता है वो कभी यहाँ, जैसे एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है, इसने यहाँ पे दी, इसने यहाँ पे दे दी, इसने यहाँ पे दे दी, इसने यहाँ पे, तो एक गुच्छे की तरह जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कहते हैं, और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर कोई भी नियम कायदे कानून नहीं होते। और आगे दोस्तों, द कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, अगर अगर उसके अंदर भाषा हो तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक कम्युनिकेशन उसे हम कहेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और पेपर देख लेते हैं पेपर कौन सा है, हमारा दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20 में मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू को ध्यान से जाना जाता है, यानी कि जो हम बोल रहे उसको छोड़कर जो हमारे बोलने का तरीका है उसको हम किस लैंग्वेज के अंदर काउंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे पारा लैंग्वेज कहेंगे। यानी कि जो आवाज़ को हम कभी ऊंचा कर लेते हैं, कभी धीमा कर लेते हैं, अलग अलग स्टाइल में जो बोलते हैं, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कम कहेंगे पारा लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास 22, एटीट्यूड एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसाइडर एज, यानी कि जो हमारे एटीट्यूड है, एक्शन है, जो एक्शन हम कर रहे हैं, अपीयरेंस है, हमारे उपस्थित होने का तरीका, वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम शब्दों का यूज़ करें, किसी को बोल के बताएं या किसी को लिख के कोई संदेश पहुँचाए, तो वो होता है वर्बल। और जो कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का यूज ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और आगे हम देखते दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा आ गया हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये भी एक टाइप है कम्युनिकेशन का, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसी संस्था जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहां पे एक क्लर्क है, क्लर्क से बात कर रहा है, चपरासी है, चपरासी से बात कर रहा है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे क्षैतिज कम्युनिकेशन। क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों हॉरिजेंटल, जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं क्षैतिज कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे जो होता है, यानी कि एक बॉस है चपरासी से बात कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर से धीरे 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 जब नीचे संदेश आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो दिसंबर 2019 के अंदर आ सकते हैं। अब ये देखिए, दोबारा से फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया, और ये देखते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि फिगर आउट द कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे तत्व है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिसके अंदर शब्दों का यूज ना हो। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है फेसियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव है, उसमें कोई भी शब्द यूज नहीं होता। काइनेसिस, काइनेसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और पर्सनल स्पेस यानी कि किसी के निकट जा रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो इस तरह का क्या होता है कि उसके अंदर भी किसी भी शब्द का यूज नहीं होता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ें आएगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे। अब देखिए, इसके अलावा भी और काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे ये मैंने पिंक किया हो, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे।
अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इनमें से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आप आ गया शायद, ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है मेरे। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसाइडर। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से देखते हैं ये हमें बताना है। अब आपने देखा दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नॉन वर्बल के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, जिसके अंदर शब्दों का यूज ना हो, और इनफॉर्मल होता है जो अनौपचारिक हो। जैसे हम एक दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, परिवार के लोगों के साथ बात करते हैं, तो इनके अंदर, इनके साथ हम कैसे बात करते हैं कि जैसे इन पर गुस्सा भी हो जाते हैं, इनसे प्यार भी करते हैं और इनसे हंसी मजाक भी करते हैं, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और लेकिन एक बॉस के साथ हम बातचीत करते हैं तो बहुत सलीका होता है हमारे बातचीत करने का, हम बॉस के साथ हम मजाक नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे, ये देखिए जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 24 तारीख को जो हुआ था। इसके अंदर देखिए ये कह रहा है कि हनी बी कन्विंग द अदर बीज, यानी कि एक जो मधुमक्खी है वो डांस करके दूसरी मधुमक्खियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे कहेंगे हम दोस्तों ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन टाइप में से किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का क्या मतलब होता है वो हमें बताना है। ये जून 2019 में क्वेश्चन आया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ये ट्रांसमिट कल्चर, यानी कि एक कल्चर का जो फैलाव कह सकते हैं हम, ये फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कम्युनिकेशन के अंदर एक दूसरा टॉपिक करते हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, इससे हमारा उत्साह बनता है और आगे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाएं। और एक बात का आप ज़रूर जवाब देना दोस्तों, क्या हमें ऐसी वीडियो दोबारा फिर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, जो 10 के 10 टॉपिक है उन सभी की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जहाँ जहाँ भी हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और चलिए दोस्तों अब हम और क्वेश्चन देखते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और रिपीट भी हुए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों एंटरटेनमेंट, यानी कि कक्षा के अंदर जो हम संचार कर रहे हैं उसके अंदर बच्चे को शिक्षा भी मिलनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और यही क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि किस तरह से रिपीट हुआ है हमारे पास। और ये देखिए ये हमारा है दोस्तों क्वेश्चन पेपर जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एडुटेनमेंट इसका आंसर आएगा। तो अब भी इसके आने की संभावना है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए दोस्तों जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के पूछा है। अब देखिए इसने क्या कहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, ये हमें बताना है। और मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्होंने बताई है। सबसे पहले आएगा हमारा कम्युनिकेटर, फिर आएगा मैसेज, फिर आएगा मीडियम, फिर आएगा रिसीवर और फिर आएगा इफेक्ट। अब देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के किस तरह से दे सकते हैं वो एग्जामिनर, कम्युनिकेटर की जगह वो कह सकते हैं कि सेंडर कह सकते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम,
रिसीवर रहेगा, और इफेक्ट की जगह वो कह सकते हैं फीडबैक। तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए, एक आसान भाषा में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास मैसेज भेजने वाला होना चाहिए, उसके बाद में एक मैसेज होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद में एक मीडियम कोई साधन होना चाहिए, और उसके बाद रिसीवर प्राप्त करने वाला होना चाहिए, और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ाया, उसने क्या फीडबैक दिया, ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनके आने की संभावना है। और अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये है दोस्तों हमारा दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये रहा, कक्षा संचार में सामान्यतः क्या माना जाता है, कक्षा का जो संचार है उसे किस तरह का माना जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे संज्ञानात्मक संचार इसे हम कहते हैं, कोग्नेटिव यानी कि जिसके अंदर कुछ हमें सीख मिले, सीखने वाला संचार जो होता है उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संचार कहते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन बाद में भी रिपीट हुआ है और अब भी हो सकता है, ये देखिए इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसाइडर्ड एज कोग्नेटिव कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये रिपीट हुआ है। और आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है तब वहाँ होता है क्या होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, यानी कि एक व्यक्ति मैसेज भेज रहा है, बी को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, अब बी ने मैसेज लिया और बी दोबारा इसको मैसेज भेज रहा है, ठीक है, यानी कि ये पहले क्या था, रिसीवर था, अब ये क्या हो गया, सेंडर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दोस्तों फीडबैक, यानी कि यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की बातों का उत्तर दे रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक कहेंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये देखिए ये हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता, विद्यार्थी वास्तव में है, विद्यार्थी हमें बताना है कि क्या है, डिकोडर है। अब ये देखिए जो टीचर है वो संदेश भेज रहा है और जो बच्चे हैं वो उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें बच्चों को हम क्या कहेंगे, डिकोडर, यानी कि जो मैसेज को डिकोड कर रहे हैं, अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या कहेंगे हम, डिकोडर कहेंगे। ये दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, ये दोस्तों मैंने पीडीएफ बना रखे है, अगर आप किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ ले सकते हैं, हमने जो 10 के 10 टॉपिक है पेपर फर्स्ट में सभी की ऐसे पीडीएफ बना रखे है, जून 2012 से लेकर जून 2019 तक हमने पीडीएफ बना रखी है, तो आप इन क्वेश्चन को करके बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी हमने एक कुछ सामान्य कॉस्ट भी रखी हुई है दोस्तों, वो आप देके ले सकते हैं या फिर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर देखिए इन्होंने व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कंट्राडिक्टरी, अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि जब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक संचार दोनों कंट्राडिक्टरी यानी कि दोनों के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो किस पे हम विश्वास करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम विश्वास करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और टीचर क्लास में आ जाता है और टीचर को पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, तो टीचर किस तरह से डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, टीचर क्या देखेगा कि उन दोनों बच्चों के अंदर हाव भाव देखेगा, कौन ज़्यादा डर रहा है या कौन किसका कॉन्फिडेंस है वो लूज है, यानी कि हाव भाव उनकी आंखों को देखेगा, तो उन सभी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा है वो गलत है और कौन सा सही है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है दोस्तों, इसको दूसरी बार घुमा फिरा के पूछा गया है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आगे हम देखते हैं दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा समझने की
कोशिश करना दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, यही हमें मार खाते, इन्हीं क्वेश्चन में हम मार खाते हैं। अब देखिए, किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि श्रव्य पुनः प्रस्तुति, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है दोहराना। अब टीचर है, किसी बात को बार बार दोहरा रहा है, किसी चीज़ का बार बार उदाहरण दे रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन देखिए, इन्होंने कहा है ज्ञान में संज्ञानात्मक भार, ज्ञान में संज्ञानात्मक भार उत्पन्न होगा, शिक्षकों के प्रति आदर होगा, या फिर क्या होगा। अब देखिए, इसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या घट सकता है, क्या घट सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से क्या डिक्रीज हो सकता है, वो चीज़ हमें बतानी है। अब क्या डिक्रीज हो सकता है, शिक्षक के प्रति आदर डिक्रीज हो सकता है, यानी कि जो इज्जत करते हैं वो कम हो सकती है। उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, यानी कि जो प्रेरणा वो कम हो सकती है। प्रौद्योगिकी में रुचि, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो रुचि है वो कम हो सकती है। क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोध में संज्ञानात्मक भार, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे समझाता हूँ आपको। अब देखिए, बोध में संज्ञानात्मक भार का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, और वो हमारे लिए एक बर्डन बनी हुई है कि ये पता नहीं क्या है, किस तरीके से है, तो वो एक बोझ बना हुआ है, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन कोई चीज़ हमें बार बार रिपीट की जाएगी तो जो वो भार है, जो हमारी समस्या है, उसमें कमी आएगी, वो हमारा जो समझ है वो विकसित होगी, और जो असमझ की जो चीज़ है, जो हमें समझ नहीं आ रही, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझने की कोशिश करना। और दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन पेपर देख लेते जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अब ये देखिए, कथन अभिकथन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक अक्षमता है। ये देखिए, ये कह रहा कि क्लास के अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक नेचुरल चीज़ है, यानी कि अच्छा कुशल ढंग से, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन किया जाना क्या एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये हमें बताना है, ये कह रहा है अपने कथन में। अब दूसरा तर्क है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। अब ये देखिए, दोनों चीज़ें इन्होंने दी है, ये हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब देखिए, सबसे पहली बात है ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन ए, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना, यानी कि कक्षा में सही तरीके से कम्युनिकेशन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक नेचुरल तरीका नहीं है दोस्तों, ये हमारे अपने अंदर लेके आना पड़ता है, हमें अच्छा बोलना पड़ता है। अब देखिए, कोई बच्चा गलत भी कर सकता है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर गुस्सा करें या उसे हम आराम से समझाएं। तो ये हमारे अंदर स्वाभाविक अक्षमता नहीं होती, ये नेचुरल चीज़ नहीं होती, ये हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ती है। और दूसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, वो तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, आर, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। कक्षा में अगर हमें इफेक्टिव क्लास लेनी है, इफेक्टिव टीचिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि हमें किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है, लेकिन आर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से जो कथन अभिकथन के क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकते हैं। और हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये देखिए, ये है हमारा सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये बात कर रहे हैं
डिकोडिंग प्रोसेस की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है डिकोडिंग। अब देखिए एनकोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश में बुक है हमारे पास और हम उसमें इंग्लिश की बुक में कोई अच्छी बात है वो हम गाँव वालों को समझाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ समझाने के लिए हमें इंग्लिश का जो मैसेज है उसको गाँव की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के जो व्यक्ति है वो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे अगर हम उनके सामने इंग्लिश बोलेंगे तो। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो हम मैसेज कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनकोड करना कहते हैं। और अब दूसरी बात ये आती है कि मान के चलिए कोई इंसान है, उसने गांव वालों को हिंदी में कोई बात समझाई, पहले इंग्लिश में थी कोई बात, उसको एनकोड करके हिंदी में समझाई। अब क्या हुआ कि घर के अंदर एक इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसको हिंदी में सारी की सारी बात समझ में आ गई। अब उसको ये बात अपने दादा को समझानी है, ठीक है, किसे समझानी है, दादा को समझानी है। अब देखिए इसने जो बात ली है वो हिंदी के अंदर ली है, अब इसे समझानी है गांव की जो लैंग्वेज बिल्कुल लोकल लैंग्वेज होती है उसमें समझानी है, तो अब ये क्या करेगा, अब हिंदी की लैंग्वेज को डिकोडिंग करेगा, गांव की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेगा और फिर आगे समझाने की कोशिश करेगा। यानी कि डिकोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसे हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें उसे हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। और जो भाषा हमें किसी को समझानी है उसको हमें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि डिकोडिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो हमें बताना है। अब देखिए इसने दिया है डिकोडिंग प्रोसेस में ऑप्शन नंबर 4, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। एक मिनट रुकिए दोस्तों, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, फिर है इंटरप्रिटेशन, फिर है इवेल्युएशन और फिर है फीडबैक। अब देखिए सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने सेंस जो है उसके अनुसार उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो उसे हम अच्छे तरीके से अपने कानों से सुनने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेंस के द्वारा उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी कि उसे हम अपने तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है कि अब हमने उसको समझ लिया, अब हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है, और इसके अंदर गलत है तो क्या है, यानी कि उसकी पूरी छानबीन करते हैं हम, क्या सही है क्या गलत है, इवैल्यूएट करते हैं उस चीज़ को, इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद में फीडबैक, यानी कि हमने कोई चीज़ सुन ली, हमने देखा भाई नहीं ये चीज़ इसके अंदर गलत है, ये बात ऐसे नहीं होनी थी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे फीडबैक देते हैं। जिस इंसान के पास से हमारे पास वो नॉलेज आई है उसको हम बताते हुए नहीं ये जो बात है तुम्हारी ये गलत बात है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, यानी कि हम उसे फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से जो डिकोडिंग प्रोसेस है वो ऐसे होता है दोस्तों। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ओल्ड पेपर पीडीएफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन कोई है तो। अब ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये पेपर देख लेते हैं, पेपर हमारा शायद दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, एसरेशन यानी कि कथन अभिकथन, अभिकथन है ये हमारा, टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये बात हमें बतानी है कि क्या क्लासरूम मैनेजमेंट के सेंट्रल में होता है। और दूसरा है हमारा टीचर कम्युनिकेशन बिहेव शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों बात हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ए नंबर पे इन्होंने दिया है टीचर कम्युनिकेशन इज सेंटर टू क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये कह रहा है कि जो टीचर कम्युनिकेशन कर रहा है वो क्लासरूम की पूरी मैनेजमेंट संभालने में काम आता है, ये बात इन्होंने कही है, टीचर कम्युनिकेशन पूरी क्लास की मैनेजमेंट संभालने में काम आता है। अब दूसरा है आर रीज़न इन्होंने दिया है टीचर कम्युनिकेशन बिहेव, यानी कि
टीचर जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसका बिहेव है, उसका व्यवहार जो है शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर जो बिहेव कर रहा है वो क्लासरूम के बिहेव को चेंज नहीं करता, ये बात कह रहा। तो आप खुद बताइए, अगर कोई टीचर है वो बहुत प्यार से पढ़ा रहा है तो क्या होगा, क्लास का जो बिहेव है वो भी बहुत अच्छा होगा। और एक टीचर जो बिल्कुल गुस्से में आता है, बिल्कुल गुस्से में पढ़ाता है, तो क्या होगा, सभी बच्चे उससे डरेंगे और क्लास का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आर जो रीज़न है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे होगा, क्योंकि टीचर का जो कम्युनिकेशन बिहेव है वो क्लास के कम्युनिकेशन बिहेव को इफेक्ट करता है। और इसकी जो ए है, ए बात बिल्कुल सही होगी दोस्तों, जो टीचर कम्युनिकेशन है वो सेंटर पॉइंट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। कथन अभिकथन के जो आंसर है वो भी बिल्कुल आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ये भी करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारे करवाए हैं हमने। और अब हम एक क्वेश्चन और है वो और देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 21 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। इसके अंदर हमें बताना है कि कम्युनिकेशन एलिमेंट है उनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या काम होते हैं वो हमें बताना है। और इसके अंदर देखिए सेंडर, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, ये सारी चीज़ें, और जो हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से रिलेटेड है वो हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहला है इसके अंदर सेंडर है, सेंडर, और अपना जो शरीर है उसके अंदर कौन हो सकता है सेंडर। सबसे पहले है सेंसरी ऑर्गन, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर क्या आता है दोस्तों, सेंसरी ऑर्गन आता है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे हमारे शरीर को चोट लगती है, हाथ को चोट लगी तो क्या हुआ कि हमें दर्द हुआ, हमारी त्वचा को फील हुआ, तो वो क्या होगी, सेंसरी ऑर्गन होगी। वो क्या है, सेंडर है, वो मैसेज भेज रही है। अब देखिए जैसे हमारे वो सुन का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे हमें दर्द नहीं होता, जैसे हमारा काफ़ी बार इलाज किया जाता है ऑपरेशन के अंदर तो हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्यों, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो तब क्या है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे पहला मैसेज सेंड करने का काम करता है वो सेंडर जो होता है वो होता है सेंसरी ऑर्गन होता है। अब देखिए आगे है हमारे पास रिसीवर, यानी कि जो हमने हमारे सेंसरी ऑर्गन ने मैसेज सेंड करने का काम किया वो किसके पास पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारे ब्रेन के पास, हमारा जो दिमाग है उसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। और उसके बाद में है मैसेज, मैसेज क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनके पास पहुँचेगी। जो हमारा मैसेज होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होगा। और मीडियम, मीडियम क्या होगा दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, वो होगा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे हमारे शरीर का। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर बताया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिया जाता है, हमें बस समझने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हम देखते दोस्तों, अगर कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको देखता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे पास कम्युनिकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए वैसे तो ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूँ हमारा इंग्लिश के अंदर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म, यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो उसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हम इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसी में हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं जून यानी कि 18 के अंदर, दिसंबर 2018 में और जून 2019 में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये है हमारा
हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने दोबारा फिर ये पूछ लिया कि यहाँ पे ये तीनों टाइप दिए हैं, लीनियर कम्युनिकेशन दिया है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो इसमें हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो यूजीसी ने जो आंसर इसका ए दिया दोस्तों, ये आंसर मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और यूजीसी ने क्या दिया, ये दोनों चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, एक सीधी रेखा के अंदर चले और जिसके अंदर फीडबैक ना के बराबर हो, और अगर फीडबैक हो तो भी वो क्या है कि काफ़ी लेट समय बाद में आए, तुरंत फीडबैक ना आए उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्युनिकेशन कहें। जिसमें लेट कम्युनिकेशन आए तो उसे हम कहते हैं लीनियर कम्युनिकेशन कहते हैं। और आगे दोस्तों इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है दोस्तों, हम इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि अपनी बात बता रहे हैं, अगला हमें जवाब दे रहा है, और फिर हम बात बता रहे हैं वो जवाब दे रहा है, यानी कि बारी बारी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, अब देखिए ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, अगला कोई सवाल पूछ रहा है हमसे और हम बीच में उसे टोक देते हैं और बीच में से अपनी बात कहने लगे, वो भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, और इसके अंदर पूरा ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि जैसे ऑफिस के अंदर हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं, और या फिर जैसे टेबल के ऊपर बैठे चार दोस्तों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि यहां पे जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। अब देखिए चारों ऑप्शन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेंबर आर गिवन थीम ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिसीजन। अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, इन्होंने कहा है कि मेंबर जो किसी भी संस्था के अंदर मेंबर हो सकते हैं उनको एक थीम दी जाती है और उन पे अपने अपने डिसीजन देने के लिए बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक थीम दे दी किसी को, जैसे मेल कर दिया सभी को, भाई आपकी ये थीम है इस पे आपको 2 मिनट बोलना है, या फिर जैसे हम क्लास के अंदर कहते हैं ना बच्चों को, कल हम जैसे दीपावली का प्रस्ताव सुनेंगे, सभी आप तैयार करके आना। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये समझ लिया। अब हम दूसरे पे बात करते हैं, ए टीचर इन द क्लास प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर कंटेंट। एक जो क्लास है उसके अंदर जो टीचर है वो अपने जो पूरा का पूरा लेक्चर दे रहा है, देते जा रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम थ्री समझते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, उसने सभी स्टाफ को बुलाया एक मीटिंग करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अब हम अगला देखते हैं, द टीचर एंड स्टूडेंट इन ए कॉलेज ऑन ए रैम्पेज। जो स्टूडेंट और टीचर है, जो टीचर और स्टूडेंट है वो रैम्पेज के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। अब देखिए, अब इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन किस में होगा, और मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम देखते कि ए टीचर इन क्लासरूम प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर कंटेंट। एक टीचर है वो क्लास के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दिए जा रहा है, देते जा रहा है, तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए हमारा लीनियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर के अंदर एक लाइन के अंदर सीधा कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर फीडबैक ना के बराबर होता है, फीडबैक हम नहीं लेते और लेते भी है तो वो काफ़ी समय बाद आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए हमारा, बी आंसर होना चाहिए, और इसमें हम मार्क कर लेते हैं दोस्तों, ए का होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्ट होते एक दूसरे के साथ, और इसके अंदर जो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लीनियर से जल्दी होगा और ट्रांजैक्शन से थोड़ा लेट होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर आर गिवन थीम ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिसीजन। अब जैसे क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं और उनको कहें कि जल्दी से आप याद कीजिए, हम आपसे दीपावली का प्रस्ताव सुनने वाले हैं, तो उनको हमने 10 मिनट का टाइम दे दिया, तो वो क्या होगा, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हम उसे कह सकते हैं। और आगे है दोस्तों ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर देखिए
इसके अंदर मेरे ख्याल से आना चाहिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ने सभी जो स्टाफ है उनकी मीटिंग बुलाई है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अब देखिए समस्याएं सुनेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर ट्रांजैक्शन होगा, एक दूसरे के अंदर कोई कुछ समस्या बताएगा और एक दूसरे के बीच में बोल भी सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों, ये इसका आंसर होना चाहिए, ए का होना चाहिए 2 और 2 का होना चाहिए ए और 3 का होना चाहिए 3, ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जो UGC है इसने दोस्तों इसका आंसर अलग दिया है जो मेरी समझ से बाहर है, और किसी और दोस्त को इसके बारे में समझ में आए तो वो हमें ज़रूर ज़रूर बताना। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ए का 3 दिया है, ए का हम 3 कर लेते हैं, बी का इन्होंने 2, बी का इन्होंने 1 दिया है ये कर लेते हैं, और सी का इन्होंने 2 दिया है ये कर लेते हैं। अब देखिए UGC के अनुसार देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अब देखिए लीनियर कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने कहा है द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज होल्ड द स्टाफ मीटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम। अब देखिए ये मेरे हिसाब से बाहर है क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन के अंदर सीधा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो कॉलेज स्टाफ है वो अपनी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आए हैं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और शायद हो सके तो आप दोस्तों बताना इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या ये UGC का गलत है या सही है। और आगे दोस्तों आगे तो कुछ नहीं, इतना आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, इससे हमारा उत्साह बनता है और आगे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाएं। और एक बात का आप ज़रूर जवाब देना दोस्तों, क्या हमें ऐसी वीडियो दोबारा फिर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, जो 10 के 10 टॉपिक है उन सभी की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके बारे में आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जहाँ जहाँ भी हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।